न्यूज फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार से बाहर फंसे लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि जिन नोडल अधिकारियों का सरकार ने नंबर जारी किया है उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, उनके नंबरों पर फोन नहीं हो रहा, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, और इसलिए लगातार जो है लोग परेशान हो रहे थे। इसको लेकर हमने कल खबर भी चलाई थी और शाम तक सरकार की इस पर सफाई भी आ गई। जो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत, उन्होंने कहा कि जो वो नंबर थे वो लोगों को कॉल करने के लिए जारी नहीं किए गए थे, बल्कि वो जो है आपस में संबंध बिठाने के लिए, अधिकारियों से बातचीत के लिए जो है अलग अलग स्टेट के जो अधिकारी हैं उनके आपस में संबंध बिठाने के लिए जारी किया गया था, लेकिन वो जो है पब्लिक डोमेन में आ गया और इस वजह से जो है इतने फ़ोन आए, इतने अधिकारियों को कॉल्स आने लगे कि उनका जो है नंबर क्रैश हो गया। तो ये सफाई कल सरकार की तरफ से आई और साथ ही आए हैं आपके लिए जो बड़ी खबर आपके लिए है वो ये कि अब हेल्पलाइन नंबर जो है सरकार ने जारी कर दिए हैं। आपको हम बताते हैं कि क्या क्या वो हेल्पलाइन नंबर है और किन नंबरों पर आप संपर्क करके आप जो है अपनी डिटेल बताएंगे और किस तरीके से आपको सरकार जो है वो यहाँ लाने के लिए, आपके घर पहुँचाने के लिए काम करेगी। देखिए, ये नंबर जारी किए गए हैं, बिहार के जो लोग बिहार के बाहर अन्य राज्यों में काम करते हैं और वो लॉकडाउन के चलते वहाँ फंसे हुए हैं, वो बिहार वापसी के संबंध में नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप नंबर नोट करिए, आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम नंबर है ये नंबर, जो कल शाम प्रत्यय अमृत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आपदा प्रबंधन विभाग के, उन्होंने बताया था कि यही नंबर है जो जारी किए गए हैं। तो ये नंबर जो है 0612 जो पहला नंबर है बताते हैं आपको, 0612-22-94204, जो लोग हिंदी में समझते हैं उनके लिए 0612-22-94204 और साथ ही 22-94205, 0612 जो है वो कोड है। तो दो नंबर है, 0612-22-94204, इसके साथ ही 0612-22-94205, इसके साथ ही जो स्थानीय आयुक्त का कार्यालय है बिहार भवन नई दिल्ली का, उसका भी हेल्पलाइन नंबर जो है, उनके नंबर जो है वो हेल्पलाइन नंबर बना दिए गए हैं और उनको भी जारी किया गया है। और ये भी कहा गया कि ये नंबर जो पहले से पब्लिक डोमेन में थी इन पर भी संपर्क लगातार लोग साध रहे थे। तो इन नंबरों को फिर से आप नोट कर लीजिए और इन नंबरों पर जो है आप कॉल करके, आप अगर बाहर फंसे हुए हैं तो अपनी वापसी के लिए इन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। जो नंबर है वो हम आपको बता दें, 0011 जो 011 है वो नई दिल्ली का कोड है और जो नंबर है वो आप नोट कीजिए, पहला नंबर है 2379-2009, पहला नंबर है 0112-2379-2009, दूसरा नंबर है इसमें भी कोड लगेगा 0112-2301-4326, इसके साथ ही जो तीसरा नंबर है वो है 0112-2301-3884। देखिए, हम नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इन तीनों नंबर्स के आगे 011 आपको कोड लगाना है और पहला नंबर है 2379-2009, दूसरा नंबर है 2301-4326, तीसरा नंबर है 2301-3884। इसके साथ ही ये जो पांच नंबर है इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इनके साथ ही छात्रों के लिए विशेषकर जो छात्र हेल्पलाइन है, डेडिकेटेड हेल्पलाइन जो छात्रों के लिए है वो जारी किया गया है। अन्य राज्यों में लॉकडाउन की वजह से फंसे छात्रों को विशेष रूप से सहायता पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, वो बता रहा हूं मैं आपको, नंबर आप नोट कर ले। अगर आप छात्र है और बिहार से बाहर आप पढ़ने गए थे और इस लॉकडाउन में आप अगर फंस गए हैं
और वापसी की कोई राह आपको नजर नहीं आ रही तो ये नंबर आप नोट करें जो खास तौर पर छात्रों के लिए सरकार ने जारी किया है। नंबर है 0612-22-94600, 0612-22-94600, 0612-22-94600। ये नंबर जो है ये खास करके छात्रों को डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है, इन पर आप संपर्क करें। आप अगर बाहर फंसे हुए हैं और आप छात्र हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके अपनी वापसी के लिए बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ ही एक वो भी बनाया गया है सरकार की तरफ से, एक और नया जो लिंक है वो दिया गया है कि बिहार के जो लोग बाहर फंसे हैं और लौटने के इच्छुक हैं वो जो है इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन लिंक की जो मांग लगातार हमारे दर्शक कर रहे थे वो इस लिंक को नोट करें, वो जो है इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। वो पोर्टल है, उस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको बता रहे हैं, covid19.bihar.gov.in covid19.bihar.gov.in। तो covid19.bihar.gov.in जो है ये नई वेबसाइट, ये नया रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है सरकार की तरफ से। और जो सवाल उठे थे कि आखिर जो सरकार ने नोडल अधिकारियों के नंबर जारी किए थे, जिन 19 बड़े अधिकारियों पर, वरीय आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली थी सरकार ने कि आप जो है बाकी राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके राज्य सरकारों से और ज़िला जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे संपर्क साधिए और लोगों से बातचीत करिए, तो समन्वय बनाकर बिहार के बाहर फंसे हुए बिहारियों को वापस लाने की मुहिम में जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी और जो नंबर जारी किए गए थे वो नंबर धराशायी हो गए। सरकार पर सवाल उठे कि आखिर ये नंबर जारी करके क्या जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनके साथ सरकार धोखा नहीं कर रही। तो अब जो है सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और नंबर हमने आपको बता दिया है, उन नंबरों पर आप संपर्क करके बातचीत करें, अपनी डिटेल बताएं। साथ ही साथ जो वेबसाइट और जो नया लिंक रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है आप उस पर भी रजिस्टर करके और अपनी जो बात है, अपनी वापसी की जो राह है उसको आसान बना सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।